कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग एक साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आखिर मान लिया है कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। दरअसल WHO ने कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब अपडेट किए हैं। इनमें एक सवाल का जवाब भी शामिल है कि लोगों के बीच कोरोना कैसे फैलता है। माना जा रहा है कि इसके बाद कोरोना से बचने की नई गाइडलाइन सामने आ सकती है। संगठन अब तक कहता आया था कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि कोरोना हवा से फैलता है। कोरोना फैलने के शुरुआती महीनों में WHO ने सभी को मास्क पहनने की बजाय केवल संक्रमितों को मास्क पहनने की सलाह दी थी। जुलाई 2020 में स्वतंत्र हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। उन्होंने WHO से कोरोना को हवा से फैलने वाली महामारी घोषित करने को कहा। तब WHO की ओर से यह तो कहा गया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जल्द ही संगठन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। कोरोना फैलने की बहस में इसी साल अप्रैल में नया मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों के एक समूह ने मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट में 10 सबूत के साथ दावा किया कि कोरोना वायरस हवा से फैलता है। इसके बाद अब WHO ने कोरोना वायरस के फैलने के 3 ताजा कारण अपडेट किए हैं। मौजूदा सबूत बताते हैं कि वायरस मुख्य रूप से उन लोगों के बीच फैलता है जो एक दूसरे के निकट संपर्क में होते हैं, आमतौर पर 1 मीटर की शॉर्ट रेंज से कम दूर होते हैं। दूसरा कारण रहा कि वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। तीसरा कारण था, लोग उन सतहों को छूने से संक्रमित हो सकते हैं जो वायरस से पहले ही दूषित हो, और वे बिना हाथ साफ किए अपनी नाक, मुंह या आंख को छू लें। अब WHO की गाइडलाइन में बदलाव क्यों खास है? दुनिया भर में मान लिया जाएगा कि कोरोना वायरस हवा के जरिए 1 मीटर या 6 फीट से भी दूर जा सकता है। एरोसोल के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात मानने के बाद कोरोना से बचने के लिए नई गाइडलाइन जोड़ी जा सकती है। खास तौर पर घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और मॉल जैसी बंद जगहों को लेकर नई सलाह सामने आएंगी। भारत में कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने पिछले दिनों घर पर भी मास्क पहनने की सलाह दी थी। ये सलाह WHO की नई गाइडलाइन की तर्ज पर ही है, जिसमें कहा गया कि बंद जगह में एरोसोल के जरिए कोरोना फैल सकता है। इसके जरिए ये समझा जाए कि आखिर क्यों सोसाइटी या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में भी भारी संख्या में कोरोना केस मिल रहे हैं। यानी WHO का अब ये नया दावा है कि कोरोना हवा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।